गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 6 का फोर्थ टॉपिक करेंगे, पाई डायग्राम। फर्स्ट, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको 3 टॉपिक्स करवाए थे, बार डायग्राम, सेकंड मल्टीपल बार डायग्राम करवाया था एंड थर्ड मैंने आपको सब डिवाइडर डायग्राम करवाया था। आज फोर्थ टाइप करेंगे, पाई डायग्राम। पाई डायग्राम हम डिग्रीज़ के थ्रू बनाते हैं। तो फर्स्टली देखो डाटा क्या दिया हुआ है हमें। ईयर दिया हुआ है 2008, 2009, 2010, 2012 और नंबर ऑफ़ वर्कर्स दिए हुए हैं। 2008 में 180 वर्कर्स हैं, 2009 में 120 वर्कर्स हैं, ऐसे हमें नंबर ऑफ़ वर्कर्स दिए हुए हैं। तो फर्स्टली पाई डायग्राम बनाने के लिए डाटा को हमें डिग्रीज़ में कन्वर्ट करना पड़ता है। देखो डिग्रीज़ में कैसे करते हैं, हम सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ईयर दिया हुआ है रजे 2008, 2009, 2010, 2011, 2012। नेक्स्ट हमें नंबर दिया हुआ है, वर्कर्स की काउंटिंग दी हुई है 180, 120, 150, 130, 140। तो हमें पाई डायग्राम बनाने के लिए इसको डिग्रीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डिग्रीज़ देखो कैसे बनाते हैं। डिग्रीज़ बनाने के लिए पहले टोटल नंबर ऑफ़ वर्कर्स काउंट करेंगे। 180 प्लस 120 300, 300 प्लस 150 450, 450 प्लस 130 कितने हुए 480, 530 और कितने हो गए 720। टोटल नंबर वर्कर कितने हुए 720। तो डिग्रीज़ फाइंड करने के लिए 180 डिवाइड 720, तो जो हम पाई डायग्राम बनाते हैं तो वो सर्कुलर शेप में होते हैं। तो ये एंगल कितने का होता है 360, तो इसको हम डी की हेल्प से बनाएंगे। तो 360 के एंगल होते हैं तो हमेशा 360 से मल्टीप्लाई करनी है। नेक्स्ट 120 डिवाइड टोटल और मल्टीप्लाई हमेशा 360 डिग्री से बनाने हैं। नेक्स्ट 150 डिवाइड टोटल और मल्टीप्लाई 360 डिग्री। नेक्स्ट है 130 वर्कर्स हैं और टोटल वर्कर्स 720 और मल्टीप्लाई 360 डिग्री। लास्ट है 140 डिवाइड 720 एंड 360 डिग्री। तो ऐसे इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। 361 इसको हमने कट किया 2 के टेबल में और 2 से कट किया 90 डिग्री, तो ये बन गई हमारी डिग्री। नेक्स्ट है 361 जा 360 और ये कट हो गया 2 पे, 2 को इससे कट किया तो 60, 1, 2 और 75 डिग्री। नेक्स्ट है 361 पे गया, 722 पे गया और इसको कट किया तो कितना आ गया 65 डिग्री। नेक्स्ट है रजे 1 पे, 2 पे कट किया और ये कितना आ गया 70 डिग्री। तो ये हमने पहले डिग्रीज में कन्वर्ट किया। तो अब आपने क्या करना है, प्रकार की हेल्प से सर्कल ड्रॉ करना है। ऐसे नेक्स्ट देखो ये आपका मिड है, यहीं से आपने सारे एंगल यहीं से स्टार्ट करने हैं। फर्स्ट आपने देखो डी की हेल्प से इसको ड्रॉ करना है। तो ये एंगल जो सारा एंगल होता है वो 360 का होता है। तो फर्स्ट इसको हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। तो सारे एंगल यहीं से बनने स्टार्ट करने हैं। इस मिड पॉइंट को इसी मिड पॉइंट के ऊपर इसको ऐसे रखना है सीधा। फर्स्ट एंगल जो है हमारा 90 का, तो 90 का एंगल यहाँ पे है बिल्कुल ऊपर, तो यहाँ तक हो गया रजे। तो ऐसे इसको मीट करना है। सेकंड जो एंगल है वो है हमारा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का बनाने के लिए इस डी को अब ऐसे नोटबुक को टर्न करना है और यहाँ पे रखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है और ये एंगल है हमारा सेकंड 60 डिग्री का। तो 60 नीचे वाले एंगल्स को देखना है, नीचे यहाँ पे भी 60 का ये रहा तो यहाँ पे ऐसे। तो ये आपका एंगल हो गया जी 60 डिग्री का। ये डाटा 60 डिग्री हो गया। नेक्स्ट है 75। अब फिर नोटबुक को टर्न करना है और डी को यहाँ पे रखना है। ये हो गया आपका 75, 70 और 80 के बीच, तो ये हो गया 75। नेक्स्ट है 65, फिर नोटबुक को टर्न करना है और 65 यहाँ पे रखना है। बिल्कुल पॉइंट मिड उसके ऊपर होना चाहिए 65, तो नीचे 60 और 70 के बीच में 65। नेक्स्ट लास्ट है 70 डिग्री।
जो बचा ये कितने का बचा 70 डिग्री, तो ये हो गया आपका 70 डिग्री ऐसे। तो फर्स्ट डाटा था 2008 ईयर का, सेकंड डाटा था 2009 का, 2010 का, नेक्स्ट था 2011 का और 2012।